सीधा ये बड़ी खबर विजय, ये खबर आप मैं जाऊंगा मेरे बगल में दिखाइएगा, यमन में अमेरिका की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यमन में अमेरिका की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर से भारी तबाही हुई है, बड़ी खबर, हूती के ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमले किए गए हैं, बड़ी खबर, 8 साल बाद 2017 के बाद B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, बमबारी में हूती के हथियार डिपो तबाह कर दिए गए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, इस खबर में B-2 बॉम्बर्स है और इससे पहले वाली खबर में जो आपके सामने है वो अटैक किया गया, ये देखिए ये है B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स है, इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के तौर पर किया गया है, आपकी स्क्रीन पर अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, सीधा आइए विजय एक बार जरा इसके अपर गोप्रो को दिखा दे, बगल में मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, हालांकि जहां तक मुझे याद है इसका 2 विंडो अपर गोप्रो है, आइए जरा हूती पर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है, बहरहाल 2 विंडो नहीं है, मैं चाहूंगा जो बॉम्बर्स की शॉट्स हैं उसको प्ले करिए और हूती पे हमले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, ये देखिए यमन में B-2 बॉम्बर्स एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है, बड़ी खबर, हूती के ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमले किए गए, सना और सादा में मैं चाहूंगा विजय B-2 के अलावा जो अटैक के रियल विजुअल्स है वो भी प्ले करिएगा, और सादा में हूती के 5 अंडरग्राउंड हथियार डिपो तबाह कर दिए, रेड सी में हमलों के लिए रखे हथियार किए गए तबाह, 8 साल बाद B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है, 2017 में आखिरी बार B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल था, CNN के हवाले से यह बड़ी खबर आती है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन मैं चाहूंगा विजय यहीं पर अगली ब्रेकिंग भी ले लीजिए इसी विजुअल के साथ, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हूती पर हमले की कीमत चुकाएगा अमेरिका, ब्रेक करिए जरा, इसका वीडियो भी है, बगल में वीडियो भी चला दीजिएगा इसी ब्रेकिंग की, ये देखिए B-2 बॉम्बर से हमले के बाद हूती की वार्निंग, न्यूक्लियर अटैक के बाद भी हूती करता रहेगा हमला, हमास हिजबुल्ला का साथ नहीं छोड़ेगा हूती, हूती सैन्य अधिकारी जनरल याया सारी का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा इसी में शॉट्स की जगह सीधा आइए, मेरे साथ दीपक सर मौजूद है, दीपक सर B-2 बॉम्बर अपनी बहुत बड़ी माइट दिखाने की कोशिश है, लेकिन इमेजिन सर तस्वीर का एक पहलू यह है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर निकाल दिया है, और तस्वीर का दूसरा पहलू जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो यह है कि हूती को रोकने के लिए B-2 बॉम्बर निकालना पड़ा, हूती ने 90% रेड सी में ट्रेड रोक दिया, हूती ने अमेरिका के बड़े बड़े ड्रोन्स मार गिराए, व्हाट इज योर टेक सर, आप किस पहलू पर जाएंगे? सर आपका ऑडियो म्यूट है, थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए प्लीज उसको, कैन यू हियर मी नाउ सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर, मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली सर। ओके, मैं इस इलाके में रहा हूँ सर, ये हूती फुतियों को जानता हूँ, पहले तो ये फटे हुए पजामे और टूटी हुई चप्पल पहन के लड़ते थे, अब तो ये बड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जो ईरान से इनके पास आते हैं। द इंटेंशन सर इज, और ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को जानता हूँ, एवरी हूती जो लड़ रहा है वहां पर, जो पहले तो यमन में पावर लेने के लिए लड़ रहा था वो अचीव हो गया, अब वो चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करो एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ यमन, सना में भी और एडन में भी कोई इसको मान नहीं रहा है, तो हर हूती जो है सर ही इज अ पोटेंशियल सुइसाइड बॉम्बर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मर जाए, उसकी फैमिली मर जाए, बच्चे मर जाए, बट वो यही चाहता है किसी तरह से कि मैं इंटरनेशनल लाइमलाइट में रहूं, नहीं तो उसका क्या लेना देना है गाजा के साथ सर। तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, द हूती फेलोस, दिस पर्टिकुलर ट्राइब जिनको आप हूती कह रहे हो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि किसी तरह से हम पब्लिक और मीडिया अटेंशन में रहें, तभी हमारा जो फ्यूचर है वो रहेगा, अदरवाइज वी विल बी टोटली इग्नोर्ड। तो आप ये और कुछ देखेंगे, दे विल कंटिन्यू टू हिट एंड दे आर हिटिंग वेरी हार्ड, दे हैव ट्रेंड वेरी हार्ड, दे हैव बीन ट्रेंड वेरी वेल, ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वगैरह ने इनको बहुत अच्छी सारी ट्रेनिंग दी है, तो ये काफी तकलीफ पहुंचा रहे हैं टू वेस्टर्न कंट्रीज, बट फिर ये बचेंगे नहीं सर, जब मैसिव इनके ऊपर रिटेलिएशन जैसा शुरू हो रहा है और इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, अब देखेंगे फिर ये खामोश हो जाएंगे सर, दिल ऑल बी यमन, यमन तो खत्म हो चुका है, व्हेन आई वेंट देयर इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस मेनी इयर्स अगो, अब तो उसके बारे में एक ही चीज कहूंगा सर, जेंटलमैन बन गया राजू, खत्म हो गया सर, एब्सोल्युटली राइट सर, अब आपने रिवर्स कर दिया, राजू बन गया जेंटलमैन को, जेंटलमैन बन गया राजू, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट, बट एक बार विजय टाइट फ्रेम पर आइए, अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से
यूक्रेन पर अटैक में ड्रोन्स नेटो कंट्रीज में जा रहे थे, अब यही कहानी मिडल ईस्ट में हो रही है और इस बार भी नेटो कंट्रीज की गिरफ्त में आ रही है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधा आइए, तुर्की में मोर्टार धमाके से बड़ा तनाव, बड़ी खबर। आई विल वॉक डाउन विजय, सीरिया बॉर्डर से लगे कीलिस से गिरे गोले गिरे, बताइए। ये देखिए, सीरिया में हमले के दौरान तुर्की में गिरे दो मोर्टार शेल्स, ब्रेकिंग और शॉट। हमले से तुर्की के माइंस इलाके में हड़कंप मच गया, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, तुर्की में शेल्स गिरे। तुर्की ने MLRS फायरिंग से किया पलटवार, लेकिन कहां पलटवार कर रहे थे वो, किधर, दुश्मन दिख नहीं रहा है, गोली चलाओ, ये हाल था उनका, किधर पलटवार कर रहे थे, कहीं से शेल गिर रहा था, कहीं से कुछ गिर रहा था।